हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। किस आप लोग तो कैसे आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें देने वाला हूँ तीन ऐसी ट्वीक्स जो लिटरली किसी एम बॉट से कम नहीं है। कैसे मैं पिछले दो साल से फ्री फायर को अपने लैपटॉप पे खेल रहा हूँ और इस बीच मैंने बहुत ही अलग अलग ट्वीक्स ट्राई करी है लेकिन मुझे किसी में भी इतना अच्छे हेडशॉट इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो कौन सी वो ट्वीक्स है इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। और गाइस यार एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तुम वैसे यार बहुत से लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। 150 का लाइक है मैं इस वीडियो पे, आई होप यार लाइक कंप्लीट करा देना। 150 लाइक है मैं प्लीज़ कंप्लीट करा देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो ट्वीक्स कौन सी है वो तुम्हें आगे बताता हूँ, सो अभी चलते हैं वीडियो पे। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मैं कौन से ट्वीक्स को मतलब यूज़ करता हूँ, किस ट्वीक्स में मैं खेलता हूँ। और इस लिस्ट में मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है, वो ट्वीक्स है गाइस यहाँ पर 55370। तो गाइस ये ट्वीक्स है और इसको मैंने यहाँ पर नंबर 1 पे रखा है इस लिस्ट में और ये भाई बहुत ही तगड़ी ट्वीक्स है। और ये सारी ट्वीक्स गाइस मुझे एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड करी है, एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया, तो सबसे पहले तो भाई को थैंक यू यार। और अभी चलते हैं गाइस यहाँ पर ट्वीक्स पे। तो मैं ट्वीक्स अभी यहाँ पर जो नंबर 1 पे ट्वीक्स है वो यहाँ पर 55370 और नंबर 2 पे जो गाइस वो यहाँ पर 18514। और ये ट्वीक्स ना भाई बहुत ही तकड़ी है यार लिटरली भाई, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ इसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं मतलब तुम्हें ट्रेनिंग में इसके हेडशॉट दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर ली यहाँ से, अभी मैं यहाँ पर ब्लूस्टेक 5 में इसको ट्राई करूँगा। तुम यहाँ पर किसी भी एमुलेटर में खेल सकते हो गाइस, यहाँ पर ब्लूस्टेक 4 MSI किसी में भी, ठीक है। मैं ब्लूस्टेक 5 पे खेल रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसमें देखते हैं कितने तगड़े हेडशॉट लग रहे हैं। तुम लोग देखना भाई इसमें हेडशॉट कितने ही तगड़े लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया है, अभी देखते हैं इसमें गाइस। तुम लोग इसमें ना भाई इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तुम लोग ना इसमें हेडशॉट देखो, गाइस है ना एम बॉट से कम नहीं है ना। देखो तुम लोग देख सकते हो भाई सारी गोलियां भाई हेड पे चिपक रही हैं और कोई भी यहाँ पर मैं पैनल कोई भी रैच एड वगैरह चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एकदम फेयर गेम प्ले यार। ऐसी चीज़ें मैं भाई आज तक मैंने कभी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं, तुम लोग देख सकते हो भाई एकदम फेयर गेम प्ले। और हेडशॉट तुम लोग देखो यार, मैं खुद मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा इतने तगड़े इसमें हेडशॉट लगेंगे। अब गाइस यार बहुत ही तगड़ी ट्विक्स है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना कि शायद मेरे लैपटॉप में है फिर पता नहीं, ऐसा तुम लोग भी इसको ट्राई कर लेना। मेरे लैपटॉप में जब मैंने इसको ट्राई करा तो भाई हल्का सा लैग हो रहा था, लैगी सा गेम और था और FPS भाई एकदम ड्रॉप होती, गेम हल्का स्टक हो रहा, मतलब बहुत ही हल्का, ठीक है, स्टक सा हो रहा था और लैग हो रहा था। शायद तुम्हारे लैपटॉप में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसको जरूर से एक बार ट्राई कर लेना भाई, बहुत ही तगड़ी ट्विक्स है ये गाइस। इसके अलावा नंबर 3 पे जो ट्विक्स है वो यहाँ पर 90241664 है जो कि एक लॉन्ग ट्विक्स है और यहाँ पर ये भी काफ़ी तगड़ी ट्विक्स है यार लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये तीनों ट्विक्स ही भाई बहुत ही तगड़ी हैं लेकिन जो नंबर 2 की ट्विक्स थी ना वो भाई अलग ही लेवल की ट्विक्स है, एक बार इसको ट्राई जरूर से करना। अगर तुम्हारे पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस ट्विक्स में तो उसको तुम ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, इसको सेव करके इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेनिंग का गेम प्ले दिखा देता हूँ। और बहुत बार क्या होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में अच्छे हेडशॉट लगते हैं लेकिन हर किसी के नहीं लगते, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड में हेडशॉट मारना ईजी होता है लेकिन CS रैंक या फिर CS जो नॉर्मल होते हैं कस्टम होते हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। तो तुम लोग यार तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा इस ट्विक्स को ट्राई करने से पहले भी अगर तुम्हारे एक अच्छे हेडशॉट सेटिंग है लाइक एक्स और वाई तुम्हारी एकदम परफेक्ट है, तुम्हारी DPI तुम्हारा एमुलेटेड DPI ये सब एक परफेक्ट DPI है अगर, तो अभी तुम इसको ट्राई करना तभी तुम लोग यार इस पर अच्छे हेडशॉट मार पाओगे। मेरी तो यार प्रैक्टिस है इस सेटिंग पे, मेरी सेटिंग प्रैक्टिस है तो यहाँ पर ट्विक्स भी काफ़ी हेल्प कर रही थी मेरे को हेडशॉट मतलब लगने में मेरे, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे इतने अच्छे हेडशॉट लग रहे थे। तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है यार तुम्हारे PC में अच्छी खासी, तुम लोग भाई इसको ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे हेडशॉट भी इतने अच्छे लगने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर तुम्हारे पास एक अच्छी सेंसिटिविटी नहीं है, अगर तुम्हारे हेडशॉट नहीं लग रहे हैं तो तुम लोग मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पर मेरी ओल्ड वीडियोस को देखो, वहाँ पर भाई मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी सेटिंग वीडियोस बना रखी हैं तो उसको भाई ज़रूर से देख लेना, ठीक है। मेरी ओल्ड वीडियोस देखना और आफ्टर अपडेट की ये बेस्ट हेडशॉट सेटिंग मैंने बनाई हुई है उसको भी तुम लोग देख सकते हो, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया है वो भी, इसको भी चेकआउट कर लेना। सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो भाई चैनल को विजिट करो, चैनल पर जाओ, वहाँ पर तुम लोग को सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस ये था इस वीडियो पे, आई होप यहाँ पर वीडियो भाई तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, 150 का लाइक है मैं गाइस प्लीज़ कंप्लीट करा देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।